जन्माष्टमी गरनारे छात चीर के हनुमान ने छात चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम छात चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम गजब है भाई साहब गजब मेरे तन में बसे हैं राम जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु ना आए काम जिस वस्तु में राम नहीं जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु ना आए काम जिस वस्तु में राम नहीं वो वस्तु मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम छात चीर के हनुमान ने बता दिए श्री राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं राम मेरे मन में बसे हैं राम मेरे तन में बसे हैं चीर के हनुमान ने छात चीर के हनुमान चले जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब हजार ड्रोन के साथ भाई कमाल की बात है कि जिस तरह वो बनाया गया शुरुआत में देखो कितने लग रहे थे ऐसे गुफी और ड्रोन को भाई किस तरह वो मैं तो पहले समझा ड्रोन ये नहीं होते तो जलाने वाले शायद वो होंगे ड्रोन सारे ड्रोनों को उठाया हुआ हजार ड्रोन होते हजार ड्रोन अच्छा इसको एक बंदे की सभी को वो जो तस्वीर बन गई फिर नाम की या जो मूर्तियां बनाई गई हाँ कृष्णा की जिसकी भी उन्होंने बनाई वो मतलब एक बंदे के ड्रोन करके सभी को बना रहा था कि सभी के पास हजार बंदा एक ज्यादा कंट्रोल एक बंदे का काम तो नहीं उतना ली गई थी वो असल में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है सॉफ्टवेयर हम सभी का होता है देखा नहीं उनकी पोजीशन किस तरह उसने शुरुआत में जहाज में देखा वो कलर बनाते हैं परचम किसी कंट्री का भी कोई बना लेते हैं लेकिन ये ड्रोन वाला जो बना के ये ड्रोन को छोड़ के तस्वीर बनाना फिर वो लिख देना नाम और रात के टाइम ये बहुत अच्छा वो वादिया नजर आ रही थी हकीकत में जैसे ना कलर बना कलर के साथ बना हुआ है सारे जो हथियारे वगैरह वो भी दिखा दिए और जिस तरह श्री राम का अक्सर वो फेमस है ना झूला झूला देना तो झूले वाला सीन भी बड़ा प्यारा लग रहा था मतलब जो भी दिखाया ना बहुत तस्वीर के ऊपर ही झूल रहा था ऐसे हाँ तो वो ड्रोन वैसे झूला बना दिया आसमान में ड्रोन उड़ा के उनके साथ जो लाइटिंग के साथ
बहुत ज्यादा लाइटिंग नॉर्मल की, एक इतना प्यारा ऊंचा आसमान के ऊपर वैसे भी लग रहे हैं और ये काफी हाइट पे होगा, शहनाई छोड़ी जाए ना तीन चार कलर के ऊपर आसमान पे, वो कितनी प्यारी लगती जब वो मतलब कलर तो ये तो ड्रोन मतलब मुकम्मल कलर वन पॉइंट कलर तेल मिला के कितनी प्यारी लग रही थी। और भाई ओवरऑल नजारे वैसा पूरे अयोध्या का दिख रहा था ना रात के टाइम, और जिस तरह वो राम मंदिर उसकी हाइट पूरे शहर से तकरीबन मुझे तो ऊंची लग रही थी, तकरीबन मुझे तो नहीं मिल गई शायद होगी ऊंची, नहीं था कोई और मंदिर था नहीं राम मंदिर पहले राम मंदिर नहीं था अक्सर मंदिरों के स्ट्रक्चर राम मंदिर वो नहीं था, वो लग तो और से ऊपर निकला होता ना एक, वो राम मंदिर में वो एक इतना ऊंचा तारक नहीं है जो अभी दिख रहा है, वैसे मंदिर तो काफी है इंडिया के अंदर इस अयोध्या के अंदर ही और भी होंगे। चलो जी बहुत ही खूबसूरत बनाया भाई साहब, वैसे ये अब तो चलो हम कई दफा ड्रोन शो देख चुके हैं लेकिन जब हमने शुरुआत में देखा तो ये हैरत गुम हो गई थी हमारे कि ये किस तरह हो सकता है कि वो एक ही तरह की चीज देख देते हैं, वो कमांड देते हैं और वो वैसी चीज बन जाती है। तारक भाई इसमें भी काफी टाइम लगता कमांड देने में, एक एक पिक्चर बनाना उसको सॉफ्टवेयर देना हर ड्रोन को मुश्किल काम तो आप कह रहे हैं कि हर ड्रोन को उसकी जगह तय है इसमें कि वो उतने किधर जाना है, पहले सारा कुछ मतलब मुकम्मल है काम इसलिए बच्चा छोड़ा के ना। तो बहुत बढ़िया लगा देख के भाई, और अपनी राय रूप तय कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं, तब तक के लिए इजाजत दें।